bismillahir rahim uh, in last few lectures we have started a new topic that is transmission mechanism of monetary policy in which we have discussed interest rate channel as well as other asset price channel then in the last lecture we started the third type of monetary policy transmission mechanism

फॉर्म्स की नेटवर्थ चेंज होती है नेटवर्थ का मतलब यह है कि उनके एसेट्स और लाइबिलिटीज की जो फाइनल मार्केट वैल्यू है उसमें फर्क आता है उसकी वजह से उनकी नेटवर्थ चेंज होती है अब ये आपको क्लियर हो कि हमने कहा था फाइनेंशियल फ्रिक्शंस जो होती हैं जो कि एसमेट्रिक इंफॉर्मेशन की वजह से होती हैं और उनकी वजह से जो लेंडिंग का प्रोसेस है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है और लेंडिंग कम हो जाती है तो जब कभी नेटवर्थ कम हो जाए फर्म की इसका मतलब है उनकी बैलेंस शीट डिस्टर्ब हो जाए नेटवर्थ कम हो जाए तो ये जो एसमेट्रिक इंफॉर्मेशन का प्रॉब्लम है फाइनेंशियल फ्रिक्शंस का ये ज़्यादा स्वीयर हो जाता है और इसका मतलब यह है कि लैंडिंग ज़्यादा इफेक्ट होने लग जाती है और सीधी सी बात है जब फर्म्स की नेटवर्थ ही कम हो तो फर्म्स के पास कोलेट्रली नहीं होता उतनी अमाउंट में जितनी अमाउंट में उसे लोन लेने के लिए चाहिए हो तो अगर कोलेट्रल अवेलेबल ना हो तो उस केस में जो लेंडर्स हैं उनके लिए लैंडिंग के वक्त जो ने आ, उनको एक सिलेक्शन प्रोसीजर है तो कोलेट्रल ना होने की वजह से उनका एडवर्स सिलेक्शन का प्रॉब्लम ज्यादा स्वियर हो जाता है जबकि मॉरल हैजर्ड का प्रॉब्लम भी ज़्यादा हो जाता है इसलिए कि चूंकि फर्म्स का अपना स्टेक कम हो जाता है उनकी नेटवर्थ कम है अगर उन्हें लोन मिल गया तो चूंकि उनकी अपनी इक्विटी कम है तो वो ज्यादा रिस्की प्रोजेक्ट्स में फंड इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं तो इसका मतलब है एडवर्स सिलेक्शन का प्रॉब्लम भी सवियर हो गया मॉरल हैजर्ड का प्रॉब्लम भी ज्यादा हो गया नतीजा ये हुआ कि फाइनेंशियल फ्रिक्शंस बढ़ जाती हैं और फाइनेंशियल फ्रिक्शंस बढ़ जाने का मतलब ये है कि लैंडिंग और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है अब इस केस में हम अगर बैलेंस शीट चैनल डिस्कस करें तो मॉनेटरी पॉलिसी का इस सूरत हाल में क्या रोल हो सकता है तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या चेंज करेगी मॉनेटरी पॉलिसी चेंज करती है इंटरेस्ट रेट तो मॉनिटरी पॉलिसी का तो इंस्ट्रूमेंट वो है आल दो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट चेंज करती है लेकिन एक्सपेक्टेशन गिवन हो तो रियल इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाएगा तो अगर रियल इंटरेस्ट रेट फॉर एग्जाम्पल कम हो जाता है मॉनिटरी पॉलिसी हम कहते हैं कि लूज हो गई एक्सपेंशनरी हो गई रियल इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो रियल इंटरेस्ट रेट कम होने के केस में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्राइसेस ऑफ स्टॉक या अदर एसेट्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं उसका चैनल हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है इसका मतलब है प्राइस ऑफ इक्विटी प्राइस ऑफ स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा जब रियल इंटरेस्ट रेट कम होगा और चूंकि फर्म्स की बैलेंस शीट में जो एसेट्स होते हैं उनमें स्टॉक्स इक्विटी होती है इसका मतलब यह है कि फर्म्स की नेटवर्थ इंक्रीज हो जाएगी जब फर्म्स की नेटवर्थ इंक्रीज हो जाती है तो लेंडर्स के लिए एडवर्स सिलेक्शन का प्रॉब्लम कम हो जाता है और जो बारोअर्स हैं उनकी मॉरल की टेंडेंसी कम हो जाती है नतीजा क्या होगा लेंडिंग ज्यादा हो जाती है उससे इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है उससे एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ होती है तो मैंने आपको कहा था हर ट्रांसमिशन चैनल के अंदर एक ना एक इंटरवीनिंग या ब्रिजिंग वेरिएबल नया आएगा यहां पे कौन सा है नेटवर्क अब जो हम क्रेडिट चैनल पढ़ रहे हैं जिसमें हम बैंक लैंडिंग चैनल भी डिस्कस कर चुके जिसमें अभी हमने बैलेंस शीट चैनल डिस्कस किया उसी के अंदर फर्दर एक टाइप है कैश फ्लो चैनल तो पहले हम ये समझ लेते हैं कैश फ्लो क्या होता है देखें जो भी फॉर्म्स के अकाउंट्स होते हैं उनमें मनी रिसीट भी होती हैं यानी कि मनी इनफ्लो भी हो रहा होता है जबकि मनी की पेमेंट्स भी हो रही होती हैं यानी कि मनी आउटफ्लो भी हो रही होती है तो ये जो इनफ्लो और आउटफ्लो किसी फर्म के अकाउंट्स में से आउटफ्लो इनफ्लो है इसे हम कहते हैं ये उसके कैश फ्लोज हैं अब नेट कैश फ्लोज कैसे निकालते हैं नेट कैश फ्लोज होते हैं कि जो फॉर्म के जो मनी की रिसीट्स हैं उनमें से उसकी मनी की पेमेंट्स माइनस कर लें तो ये उसके नेट कैश फ्लोज हो जाएंगे तो जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट लो हो जाए जाहिर है मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से होगा तो जब इंटरेस्ट रेट लो हो जाए तो जो कैश आउटफ्लो होती है डेट पे डेट की रीपेमेंट्स और उसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट्स की फार्म में जो टोटल अमाउंट बनती है वो नेट में कम हो जाएगी जबकि दूसरी तरफ जो है वो अगर जो उसके इनफ्लोज हैं वो उससे इफेक्ट नहीं होते क्योंकि वो और साइड से आ रहे होते हैं वो इंटरेस्ट बेस्ड नहीं होते तो इसका मतलब है फॉर्म्स की नेट कैश फ्लोज इंक्रीज़ हो जाएंगे अब जो नेट कैश फ्लोज इंक्रीज होते हैं तो इसको लिक्विडिटी कहते हैं यानी कि फर्म्स के पास डिफॉल्ट करने के चांसेस कम हो जाते हैं यानी कि उसके पास उसकी नेटवर्थ या नेट कैश फ्लोज या उसकी लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाती है तो ऐसे केस में फिर हमारा एक जो चैनल कैश फ्लो का है वो किस तरीके से वर्क करता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कम होता है अब आपने ये भी जेहन में रखना है कि हर चैनल को मैं रियल इंटरेस्ट रेट से स्टार्ट करता हूं ये पहला चैनल है जिसको मैं नॉमिनल इंटरेस्ट रेट से स्टार्ट कर रहा हूं और आपको बात क्लियर होनी चाहिए कि जो फर्म्स की डेट ऑब्लिगेशन होती हैं वो हमेशा नॉमिनल टर्म्स में होती हैं सौ रुपए का बॉन्ड है तो सौ रुपए ही वापस करने हैं उसके ऊपर अगर टेन परसेंट इंटरेस्ट रेट है तो टेन रुपीज ही एक्स्ट्रा पे करने हैं तो वन टेन नॉमिनल टर्म्स में पे करने हैं चाहे इन्फ्लेशन रेट जो मर्जी हो जाए तो इसका मतलब अगर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कम हो जाए तो फर्म्स का नेट कैश फ्लो इंक्रीज हो जाता है अब की लिक्विडिटी बढ़ जाती है तो इसका मतलब है उनके मॉरल की टेंडेंसी भी कम हो जाती है और लेंडर्स एडवर्स सिलेक्शन का प्रॉब्लम भी थोड़ा कम हो जाता है नतीजा क्या है लेंडिंग ज्यादा होती है इन्वेस्टमेंट होती है और एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है एक और चैनल जो इसी के अंदर है वो है क्रेडिट राशनिंग का तो क्रेडिट राशनिंग का ये है कि अगर फार्म जो बारोअर्स हैं उनके पास इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं एंड दैट्स वाई दे आर विलिंग टू पे हायर इंटरेस्ट वो विलिंग हैं कि हम ज्यादा इंटरेस्ट भी पे कर लेंगे क्योंकि हमारे पास बिजनेस की ऐसी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं लेकिन स्टिल प्रॉब्लम ये है जो लेंडर्स हैं उनके लिए एक प्रॉब्लम हो जाता है कि जो रिस्की प्रोजेक्ट्स वाली फार्म होती हैं वो ही अमूमन हायर इंटरेस्ट रेट भी पे करने को तैयार हो जाती हैं तो इसका मतलब यह है कि अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट हाई है और उस हाई इंटरेस्ट रेट पे भी कुछ बारोअर्स लोन लेने के लिए तैयार हैं तो लेंडर्स के जेन में यह होता है कि शायद ये बहुत ही रिस्की फार्म हैं रिस्की इन्वेस्टमेंट वाली फार्म है तभी यह हायर इंटरेस्ट रेट पे भी लोन लेने को तैयार हो जाती हैं इसका मतलब यह है कि हायर इंटरेस्ट रेट जो है उस पर एडवर्स सिलेक्शन का प्रॉब्लम और स्वीयर हो जाता है और उस वेरिटी की वजह से जो लेंडर्स हैं वो लेंड नहीं कर पाते और क्रेडिट रैशनिंग स्टार्ट हो जाती है तो हम ये देखते हैं कि मॉनिटरी पॉलिसी का यहां पे क्या रोल हो सकता है और उसका ट्रांसमिशन चैनल क्रेडिट रैशनिंग के अंदर कैसे वर्क करता है तो इनिशियली हम फिर वहीं से स्टार्ट लेते हैं कि मॉनिट्री पॉलिसी ने अपना इंस्ट्रूमेंट चेंज किया रियल इंटरेस्ट रेट कम हो गया रियल इंटरेस्ट रेट जो कम होता है तो हाई इंटरेस्ट रेट पे तो ज्यादा रिस्क की बारोइंग हो रही होती है यानी कि रिस्क जो लेने वाली फार्म्स हैं उनकी टेंडेंसी ज्यादा है हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन लेने की तो जब मार्केट में रियल इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो लेस रिस्की प्रोजेक्ट भी अब बारो करना शुरू हो जाएंगे ऐसी फार्म भी बारो करेंगी जिनके पास लेस रिस्की प्रोजेक्ट हैं इसका मतलब है लेस रिस्की बारोइंग इंक्रीज हो जाती है और एडवर्स सिलेक्शन का प्रॉब्लम कम हो जाता है इसका मतलब है ओवरऑल लेंडिंग इंक्रीज होती है इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है और अल्टीमेटली एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो इसका मतलब है ये चैनल कहां से चलता है रिस्की वर्सेस लेस रिस्की फंड बारोइंग या रिस्की प्रोजेक्ट्स वर्सेस लेस रिस्की प्रोजेक्ट्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है ये चैनल उसके थ्रू वर्क करता है थैंक यू